बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे भोपाल, पार्टी के महासंपर्क अभियान की समीक्षा बैठक में लिया हिस्सा। व्यापम मामले पर व्यापक मंथन भी हुआ। व्यापम घोटाले को लेकर अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा चर्चाओं में। सीएम शिवराज से भी व्यापम घोटाले के संबंध में चर्चा। समन्वय भवन में पार्टी के नेताओं से भी रूबरू हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर गरमाई सियासत के बीच सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे। भोपाल में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने की। भोपाल में अमित शाह ने पार्टी के महासंपर्क अभियान की समीक्षा की और प्रदेश के बड़े नेताओं से भी रूबरू हुए। इस दौरान अमित शाह ने भोपाल के समन्वय भवन में हो रही पार्टी की विशेष बैठक को भी संबोधित किया और पार्टी के महासंपर्क अभियान को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित हुई इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों के अलावा विधायक और प्रमुख नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। व्यापम घोटाले को लेकर जिस तरह से एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगे हैं, उसके बाद संगठन के लिए यह विषय भी चिंताजनक बनते हुए जरूर दिखाई दिया और अमित शाह के इस दौरे को व्यापम घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने इस मसले पर शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर तथ्यों की जानकारी ली और सूत्रों की माने तो इस दौरे के बाद मध्य प्रदेश को लेकर पार्टी बड़ा फैसला भी ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।